दोस्तों आज हम लोग फाइंडिंग मिसिंग वन चैप्टर नंबर 22 का जो 24वां वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 121 से 125 के बीच में सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 यह बहुत ही ईजी है। देखिए यहाँ पे चार डिजिट दिया हुआ और यहाँ पे इसका आंसर दिया हुआ। आंसर जो है ना इसी डिजिट को बस सीरियल इधर उधर कर दिया गया है। जैसे देखिए यहाँ पहले चौथे वाले को लिया गया है तो चौथा क्या हुआ 6, उसके बाद पहले वाले को लिया गया तो क्या हुआ 4, फिर उसके बाद दूसरे तो 9 और लास्ट में तीसरे को लिया गया। ये आंसर आ गया 64-93। समझ गए सीरियल कैसे बैठ रहा, पहले चौथा फिर पहला फिर दूसरा फिर तीसरा, यानी लास्ट वाले को पहले कर दिया गया और उसके बाद एडजेक्टिव उसी तरह उतार दिया गया। इसमें भी वैसे ही देखिए पहले क्या किया गया चौथे को रख दिया गया यानी 8 को, और उसके बाद 2, 8, 1 को वैसे ही उतार दिया गया 1, 2, 8, 1। समझ गए इसी तरह यहाँ पे आंसर लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे पहले 7 को लिखेंगे तो 7 लिख दिए, उसके बाद 3, 8, 5 को वैसे ही लिख देंगे उसी सीरीज में लिख दें 3, 8 और 5। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा 7385 जो कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 122 यह बहुत ही इजी है। ऊपर की दो संख्या को ऐड कीजिएगा तो नीचे वाली संख्या आ जाएगी। जैसे देखिए 42 और 39 को ऐड कीजिएगा तो 81 आएगा, फिर उसी तरह 22 और 36 को जब ऐड करेंगे तो 58 आ जाएगा। तो यहाँ पे वैसे ही करेंगे 17 और 43 को ऐड करेंगे तो 17 + 43 कितना होगा 60 होगा। ठीक है तो यहाँ पे क्या अंक आएगा 60 जो कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 123 यह बहुत इजी है। देखिए यहाँ पे 5 खंड दिया हुआ और बीच वाली जो खंड है और किनारे की जो भी चारों संख्या है वो सभी को ऐड कीजिएगा तो बीच वाली संख्या आ जाएगा। जैसे 9, 5, 15 और 92 को ऐड करेंगे तो 121 आएगा। उसी तरह यहाँ पे 16, 19, 24 और 20 को ऐड करेंगे तो 79 आएगा। अब वैसे ही यहाँ पे लाते हैं तो क्या करेंगे 56 + 7 + 9 + 8 ये चारों को ऐड कीजिए तो 56, 7, 9 और 8 को जब हम लोग ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 80। ठीक है जो कि ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 124 देखिए यहाँ एक सर्कल दिया हुआ और सर्कल में 3 संख्या दिया हुआ। इन तीनों संख्या में देखिए सबसे छोटी संख्या क्या है 18। तो 18 में क्या कर रहे हैं कि पहले 2 से गुना करेंगे तो 2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 36 जो कि ए वाली संख्या आ गया, और इसी 18 में अगर 5 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 18 × 5 = 90 जो कि ए वाली संख्या आ गया। उसी प्रोसेस से इस सर्कल में देखिए सबसे छोटी संख्या क्या है 13। तो 13 में पहले 2 से गुना करेंगे तो 13 × 2 = 26 एक संख्या आ गया, फिर इस 13 में 5 से गुना करेंगे तो 13 × 5 = 65 तो ये संख्या। मतलब कहने का मतलब है कि सर्किल में जो सबसे छोटी संख्या उसमें पहले 2 से गुना कर रहे हैं फिर 5 से गुना कर रहे हैं और गुना करके 2 संख्या ला दे रहे हैं। अब इस सर्कल में देखिए मान लीजिए 75 और 15 है तो सबसे छोटी संख्या 15 को ही मान लेते हैं तो 15 को पहले क्या करना है 2 से गुना करना है तो 15 × 2 = 30 और 15 को फिर क्या करना है 5 से गुना करना है तो 15 × 5 = 75। तो 75 तो ऑलरेडी दिया हुआ लेकिन 30 नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा 30 करेक्ट होगा आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 125 ये भी बहुत सिंपल है। देखिए इस कॉलम पे ध्यान दीजिए इन तीनों संख्या को ऊपर वाले 3 संख्या को गुना करेंगे तो ये चौथी संख्या आ जाएगा। जैसे देखिए 5 × 20 = 20 दिया 60 तो 60 आ गया, फिर उसी तरह इस कॉलम में भी करेंगे 6 × 5 = 30 30 × 120 तो ये चौथी वाली संख्या आ गया। यहाँ भी वैसे ही करेंगे तो क्या करते हैं 7 में ये दूसरी से संख्या से तो दूसरी संख्या तो पता है नहीं तो इसको एक्स मान लेंगे 7 और उसके बाद इसमें ये 5 से गुना करेंगे तो 5 से गुना किए तो क्या आना चाहिए चौथी वाली संख्या 140। देखिए इसको तोड़ देते हैं तो 7 × 5 = 35 एक्स बराबर 140, इसलिए एक्स बराबर क्या हो जाएगा 140/35। तो 35 से कट कीजिए तो 4 × 140 कट जाएगा इसलिए एक्स बराबर क्या हो गया 40। मतलब यहाँ पे 4 आंसर आएगा तो ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा। दोस्तों आशा करते हैं कि पांचों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि उन्हें भी कुछ नॉलेज मिल सके। और हाँ अगले वीडियो में मैं अगला 5 क्वेश्चन लेकर आऊँगा और उसको सॉल्व करूँगा तो अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।